अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशी मकबूल आज आपके लिए टॉप 100 3D नेट फैब्रिक की डिज़ाइनिंग लाई है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक आइडिया दूंगी कि आप अपने बहुत कीमती ड्रेसेस कैसे बना सकती हैं। वेडिंग ड्रेसेस, पार्टी वेयर ड्रेसेस, बेबी ड्रेसेस, क्योंकि इस तरह की फैब्रिक से आप बहुत ही कीमती, जिसे कहते हैं कीमती ड्रेसेस बना सकती हैं। ऐसे ड्रेसेस किसी फैमिली के मेंबर के नहीं होंगे, जिसको आप अपने आप से डिज़ाइनर करेंगी, अपने आप रेडी करेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह से आप अपने पार्टी वेयर ड्रेसेस बना सकती हैं, वेडिंग ड्रेसेस बना सकती हैं, जिससे आपका लहंगा, गरारा, पेपलम फ्रॉक, ट्राउज़र, यहाँ तक के आप अपने ट्राउज़र, बेल बॉटम और हर तरह का वो ड्रेस जिसको आप पसंद करती हैं, पहनना पसंद करती हैं, जो आप पर अच्छा लगता है, आपको सूट करता है, आप वो डिज़ाइन बना सकती हैं। वीवर, अगर आपको मुकम्मल फैब्रिक की शर्ट बनानी हो तो आप बना सकती हैं। अगर के आपको कुछ डिज़ाइनिंग मुनफरद सी करनी हो तो उसके लिए आप थोड़ी सी नेट फैब्रिक ले लें जिस पर 3D फ्लावर बने हुए हों। आप वो नेट फैब्रिक को कटिंग करें और उसके जो डिज़ाइनिंग आप चाहती हैं अपनी शर्ट पर, कुर्ती पर, ब्लाउज़ पर, चोली पर, पेपलम फ्रॉक, ट्राउज़र, दामन डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, जो भी आप बनाना चाहती हैं उस तरह के वो फ्लावर कट करें, जैसा कि आप पिक्स में देख रही हैं। इस तरह कटिंग कर आप अपने ड्रेस को बहुत ही यूनिक बना सकती हैं। कटिंग कर आप उसको ग्लू गन से या सुई की मदद से छोटे छोटे टांके लेकर अटैच कर लें। उसके बाद आप उसमें चाहें तो पर्ल, स्टोन, मोती, सितारे, आप कुछ भी लगा सकती हैं या फिर सिंपल फ्लावर का काम कर सकती हैं, जैसा कि ये फ्लावर देखो कटिंग कर लगाया गया। सेंटर में आप पर्ल लगाकर अटैच कर लेंगी तो भी आपका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनेगा, क्योंकि मार्केट में हर तरह की नेट आई हुई है जींस पर, हर तरह का काम हुआ हुआ है। मैंने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है कि आप लेसिस, पैचेस ऐसे कटिंग कर अपने ड्रेसेस बना सकती हैं, जैसा कि बाहर ममालिक में फेरी ड्रेसेस इसी तरह कटिंग कर बनाए जाते हैं। जिस तरह अब आप आइडिया देख रही हैं कि इस तरह की कुर्ती और डिज़ाइनर ड्रेसेस आप इस तरह फ्लावर को कट कर उसमें पर और स्टोन वगैरह रखें सेंटर में और उसको सुई की मदद से अटैच कर दें या गिलू गन की मदद से अटैच कर दें। नेट फैब्रिक पर अटैच किए हुए इतने प्यारे लगते हैं। आपकी मैक्सी, आपके पेपलम फ्रॉक, बाल गाउन फ्रॉक, फेरी ड्रेसेस, जो ड्रेस आप चाहती हैं जिसमें आप मुनफरिद लगें, प्यारी लगें, महफिल की जीनत बने, तो आप इस तरह के ड्रेसेस इस तरह की नेट से बना सकती हैं। अगर आपको आइडिया लेना हो आप हमारे चैनल से ले सकती हैं, क्योंकि मेरे चैनल में इस तरह के नेट फैब्रिक से कई ड्रेसेस हमने रेडी करने दिखाए हुए हैं और आपको फ्लावर कटिंग कर इनकी डिज़ाइनिंग करनी भी दिखाई हुई है। अगर आपको नेट फैब्रिक ना भी मिले तो मार्केट से इस तरह की एक लेसिस आई हुई होती हैं जिन पर ये फ्लावर बने होते हैं, वो कटिंग कर भी अपने ड्रेसेस में लगाएंगी तो भी बहुत ही प्यारे बनेंगे। और अक्सर आपने देखा होगा हेयर कैच, हेयर क्लिपिंग्स और ये जो हेयर कैचर होते हैं या जो पीछे हम पोनिए डालते हैं उनमें भी ढेर सारे फ्लावर उसमें डले होते हैं। आप वो लेकर भी उनको निकाल कर अपने ड्रेस को रेडी कर सकती हैं, उनमें थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से तकनीक से अपनी एम्ब्रॉयडरी कर लें, फ्लावर के साथ छोटी छोटी पेटल्स लगा लें, पर लगा लें, स्टोन लगा लें, मोती सितारे लगा लें, थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी भी करवा लें, तो आपका ड्रेस सबसे अलग और सबसे मुनफरिद लगेगा। ये सिर्फ एक आइडियाज़ वीडियोज़ होती हैं, हम अपने व्यूवर्स को घर बैठे ऐसे आइडिया देते हैं कि आप अपने ड्रेसेस बहुत प्यारे बना सकते हैं। आजकल तो वेडिंग ड्रेसेस इस तरह की नेट के बहुत प्यारे लग रहे हैं, लहंगे बन रहे हैं, मैक्सीज बन रही हैं और उसमें आप हार्ड नेट लगाएं जिसे कैन बोलते हैं, उसके बाद आपका ड्रेस इतना खूबसूरत बनेगा कि आप खुद कहेंगी खुशी मकबूल ने वाकई सही आइडिया दिया, आपके थोड़े पैसों में बहुत कीमती ड्रेसेस बनेगा, वैसा ड्रेसेस किसी और का भी नहीं होगा। क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं वो चाहती हैं हमारे ड्रेस जैसा किसी और का ड्रेस ना हो महफिल में, तो इस तरह की जो गर्ल्स हैं वो इस तरह के आइडियाज़ से फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ अपनी फैमिली में ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब आपकी तरह फ़ायदा हासिल करें। हर किसी के जहन से अलग अलग डिज़ाइन बनता है।
तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ख़ुशी मकबूल को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सब की हर वो जायज़ हाजात कबूल मंजूर फरमाए जो हमारे हक़ में बेहतर है। दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।